गाइस मेरे सब्सक्राइबर हो, गलती मत करना, पहले ही बता रहा हूँ, 2 मिनट का वीडियो होगा, फुल वॉच करना, बिकॉज यहाँ पर 2-स्टेप एज वेरिफिकेशन आ चुका है। तो इसका मतलब क्या है और ये ऑप्शन क्यों आया है, तो इसके बारे में आपको बहुत टाइम पहले बताया था, 1-2 महीने पहले बताया था, बट ये अभी आ रहा है तो काफी अच्छी बात है, क्योंकि इस अपना फ्री फायर जो एनमेन हुआ है, आई मीन फ्री फायर इंडिया आने वाला है 5 सितंबर के दिन, बट उससे पहले हम लोग को 2-स्टेप एज वेरिफिकेशन को कम्प्लीट करना पड़ेगा, फिलअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 टाइप के ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पर बिलो 18 एंड इसके अलावा 18 और एबव, मतलब कि यार आप लोग अगर 18 साल से ऊपर हो तो आप लोग एबव पे क्लिक करना, बट आप लोग अगर 18 साल से नीचे हो तो आप लोग बिलो पे क्लिक करना। तो चलेगा, इसमें आप लोग को दोनों प्रोसेस करके दिखाता हूँ कि इसमें कौन सा परमिशन लगेगा और उसमें कौन सा परमिशन देना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बिलो के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर मैंने बिलो पे क्लिक किया और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरे को फोन नंबर डालना पड़ेगा और यहाँ पर ओटीपी डालना पड़ेगा। तो मैं आप लोग को सब कुछ कम्प्लीट करके दिखाता हूँ, ठीक है। बट उससे पहले यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि प्लीज बाइंड योर पेरेंट्स फोन नंबर, मतलब क्या आप लोग को अपने पेरेंट्स का फोन नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ पर अपने पेरेंट्स का नंबर डालना पड़ेगा, तो भाई इस टाइम अपने फ्रेंड का नंबर कब काम आएगा? तो भाई आप लोग एक काम करो, अपने फ्रेंड का नंबर को डालो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा दूसरा फोन का मैं नंबर को डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने नंबर डाल दिया है और यहाँ पर मैंने सेंड कर दिया है, अभी कोड आएगा तो कुछ टाइम वेट करते हैं। और इस 1 मिनट खत्म हो गया बट कोई भी कोड नहीं आया, बिकॉज यार मैंने नंबर ही गलत डाल दिया था, पता नहीं यार किसके पास कोड गया होगा। तो चलो यार कोई ना, अब मैंने यहाँ पे नंबर सही कर दिया है, तो मैंने सेंड कोड पे क्लिक कर दिया है, अब कोड आ चुका है मेरे दूसरे फोन पे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कोड डाल दिया है, अब यहाँ पे हम लोग कंफर्म पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कंफर्म पे क्लिक किया और बिलो एज वेरिफिकेशन आई मीन 18 साल से जो भी नीचे है तो उन लोग का ये स्टेप कम्प्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग करते हैं हमारा, यानी कि 18 से ऊपर वाले का, सिर्फ आप लोग को एक क्लिक करना है, अब उसके बाद काम खत्म। ना अपने पेरेंट्स का नंबर डालो, ओटीपी डालो, कंफर्म मारो, भाई कुछ नहीं, सिर्फ काम खत्म। यार मेरी मना तो आप लोग 18 प्लस को क्लिक कर दो, भाई सब कौन जाएगा नंबर के झमेले में, ओटीपी के झमेले में। और वैसे भी गरीना फ्री फायर को थोड़ी ना पता है कि हम लोग 18 साल से नीचे हैं ऊपर हैं। लेकिन गाइस आप अगर अमृत के जल पीते हो और आप कभी झूठ ना बोलते हो तो आप लोग एक काम करना, नंबर ओटीपी जो भी है सब कुछ दे देना। अरे मजाक से थोड़ा हटके, तो देखो गाइस आपका एज अगर 18 से नीचे है तो आप लोग 18 से नीचे क्लिक करना, और आपका एज अगर 18 से ऊपर है तो आप लोग 18 से ऊपर ही क्लिक करना, बिकॉज इससे आप लोग का ही फायदा है। अगर इन फ्यूचर चल के टूर्नामेंट हुआ तो 18 के नीचे वाले का और 18 के ऊपर वाले का, तो आपका ही फायदा होगा। और वैसे भी पेरेंट्स का नंबर आप लोग नहीं डाल के अपने फ्रेंड का नंबर डाल सकते हो, अपने सेकंड सिम का नंबर डाल सकते हो। सो ऐसे ही मैंने किया, आप लोग भी कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपने 18 प्लस वाले को क्लिक कर दिया ना, तो आप लोग अगर चेंज करना चाहते हो ना तो आप लोग कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, सेटिंग के अंदर आना है, आने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आप लोग अपना नंबर को और एज को चेंज कर सकते हो, बट उसके लिए आप लोग को 1 महीने तक वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस गाइस यही सब था अपना 2-स्टेप एज वेरिफिकेशन, जो कि मैंने आप लोग को फुल डिटेल के साथ में बता दिया। और आप लोग एज वेरिफिकेशन कर लेना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 2-स्टेप एज वेरिफिकेशन इसलिए आया है कि हमारे इंडिया के ऐसे भी बंदे हैं जो कि सारा दिन गेम में ही लगे रहते हैं, उनको बाहर की दुनिया से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ गेम खेलते रहते हैं। सो उनके लिए ये सब रूल्स है। और आप लोग गेम्स वगैरह ज्यादा मत खेलो, मतलब क्या आप लोग लिमिट में रहे खेलो, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई, काम के टाइम काम, और गेम खेलने के टाइम गेम खेलो। चलो ठीक है, मेरे को पता है कि आप लोग समझदार हो, आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं मिलता हूं आप लोग से बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।